हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा मन हो रहा था मोमोज खाने का, बट मुझे बाहर जाके नहीं खाना था, तो मैंने सोचा आई विल मेक इट होम। एंड जब मैं यूट्यूब पे रेसिपीज देख रही थी तो मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली। एक्चुअली इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी सुना था, बट आई थॉट कि मैं आज इसको ट्राई करूँगी। वो है प्रसूमा रेडी टू मेक मोमोज। मतलब वो सब कुछ स्टफ्ड फिल्ड एवरीथिंग वो होके आता है, हमें सिर्फ घर पे आके उसको या तो माइक्रोवेव या तो फ्राई या तो स्टीम या तो पैन फ्राई, जो भी करके आपको जिस तरीके से खाना है आप वो चीज़ करके आप उसे खा सकते हैं। तो मैंने उसे ऑर्डर कर लिया है एंड वो आ गया है। सो दिस इज द पैकेज, इट्स प्रसूमा मोमोज। ये मैंने लिया है ओरिजिनल चिकन, इसमें लिखा है इट हैज़ जूसी फिलिंग, दिस ऑल्सो मोमो सॉस इनसाइड एंड इट इज़ प्रिजर्वेटिव फ्री। ये 24 पीसेस आता है इसमें, इट्स रेडी इन 3 मिनट्स। एंड इसे या तो हम स्टीम कर सकते हैं, पैन फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई एंड एयर फ्राई। ऑब्वियसली मेरे पास एयर फ्राई तो है नहीं, तो मैं आई थॉट कि मैं तीनों ट्राई करूँगी। मैं स्टीम भी करूँगी, पैन फ्राई भी करूँगी और डीप फ्राई करके भी खाऊँगी। एंड आई विल शेयर द रिव्यू विथ यू। ये मेरे को पड़ा 325 का इसका प्राइस है, बट मैंने इसको स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया तो ये मुझे मिला अराउंड 195 में मिला। ऑफर था आज तो मुझे इंस्टामार्ट में मिला, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इंस्टामार्ट में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं कभी कभी। इट कंटेन्स वीट एंड मिल्क, सो इसमें एक एलर्जिन एडवाइस करके लिखा है और इसमें मतलब जो भी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और प्रसूमा जो है बहुत अच्छा ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ रेडी टू ईट। सो लेट्स ट्राई एंड आई शेयर माई रिव्यू विथ यू। सो फर्स्ट हम इसको करेंगे पैन फ्राई, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था। सो आई सी यू। सो फर्स्ट टाइम ट्राइंग द पैन फ्राई मेथड। और पैन फ्राई करने के लिए पहला मैंने इसमें 1 से लेके 2 टेबल स्पून ऑयल डाला एंड देन आई प्लेस्ड ऑल द मोमोज। प्लेस करने के बाद थोड़ा स्पैचुला से थोड़ा सा टर्न वगैरह कर देने का, ताकि वो एक ही जगह से पके नहीं, इवनली वो कुक हो। और थोड़ा सा मैंने हाथ में वाटर लेके वो भी थोड़ा सा ड्रिजल किया, ताकि इट स्टेज मॉइस्ट और ड्राई नहीं रहे मोमोज जो भी रहते, क्योंकि उसके अंदर फिलिंग्स जो होता है बिकॉज इट्स रेडी टू मेक थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। सो वेन यू स्प्रेड वाटर तो वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है। और ये ढक्कन फिट ही नहीं हो रहा था, मुझे दूसरा ढक्कन लेके रखना पड़ा जुगाड़। आई केप्ट इट फॉर अराउंड 10 to 12 मिनट्स और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपको चाहे तो आप थोड़ा टाइम और रख के इसको क्रिस्पी बना सकते हैं, बट आई वॉज़ वेरी हंग्री और ये ऐसे भी क्रिस्पी था ही। ये मेरे डैडी टेस्ट कर रहे हैं, इनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मतलब बोला कि इट्स रियली ईजी वे, अगर आप वर्किंग हो या आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये ऐसा लेके डायरेक्टली पैन फ्राई वगैरह करके यू कैन ईट इट। ये एक टूट गया, ये भी लगभग, बट ठीक है। मेरे को मीट ट्राई करना है। मैंने मेयोनीज इसके लिए लिया क्योंकि मेरे को मेयोनीज मोमोज के साथ खाने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट टेस्टेड इन द चटनी जस्ट द मीट इनसाइड जो है, वाओ इट्स रियली गुड। मतलब आई रियली डिडंट थिंक कि इतना अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। टेस्ट द मोमोज, द चटनी, इट्स रियली 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 यम्मी। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि ओके होगा, लाइक नॉर्मली घर पे रेडी टू ईट जैसा, बट इट्स रियली यम्मी। मैं मेयोनीज और चटनी मिक्स करके खाऊंगी, जैसा मैं हमेशा खाती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ।
इट्स रियली 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 सुपर। मैंने फ्राई करने के बाद उसको वाटर डाल के थोड़ा कवर करके कुक करने के बाद मैंने वन स्पून भी नहीं, हाफ टेबल स्पून ऑफ बटर भी डाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अच्छे से सियर होगा और अच्छे से क्रिस्पी होगा, जो कि सच में हुआ है। एंड इट्स रियली 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 यम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड आई एम श्योर तुमको भी बहुत अच्छा लगा। सो प्लीज़ गो एंड ट्राई। इसके बाद आई कुक इट इन स्टीम वे, मतलब ऑब्वियसली एक स्टीमर तो नहीं है मेरे पास, तो मैं इडली के बर्तन में स्टीम करूँगी, अ प्रॉपर मिडल क्लास थिंग, एंड आई टेल यू हाउ इट इज। टिल देन आई वॉन्ट टू फिनिश इट। दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ मेकिंग द मोमोज, स्टीम वे के थ्रू इडली मेकर में बना रही हूँ मैं। इसमें टोटली 9 मोमोज बन सकते हैं, तो ये मैं अब बना रही हूँ। ये बन चुका है और आई विल टेस्ट इट। मैं आ गई हूँ वापस आफ्टर मेकिंग द मोमोज इन एन इडली मेकर। तो मैंने एक ट्रिक किया, मैंने जो नीचे का लेयर रहता है उसमें मैंने बटर लगाया इंस्टेड ऑफ ऑयल। सो ये जो दो है, सॉरी, ये जो 1.5 है, दिस इज़ मेड इन स्टीम मेकर ओनली, बट मैंने बटर ग्रीस किया। एंड दीज 3 मैंने ऑयल ग्रीस किया, चटनी मेयोनीज। सो आई स्टार्ट विद द छोटू वन, आई टेस्टेड ओनली विद द चटनी। ऑल्सो आप मुझे बताइए कि आपको मोमोज सिर्फ चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, या आप भी वो इंसान हैं जो मेयोनीज ऐड करते हैं। ठीक है, द फीलिंग इज रियली गुड, बट जो मज़ा पैन फ्राइड में खाने में था ऑब्वियसली स्टीम में तो है नहीं। सो आई टेस्ट द वन डन विद द ऑयल। सेम टेस्ट इज रियली गुड, बट स्टीम इज लाइक, जब पैन फ्राई वॉज 100, स्टीम इज लाइक 65-60। सो आई फिनिश इट एंड आई मीट यू व्हेन आई फ्राई द थर्ड बैच। I've used a regular vegetable oil to fry it, और गैस को आप मीडियम में ही रखिएगा, ज़्यादा फास्ट भी नहीं ज़्यादा स्लो भी नहीं। तो ये बन के मेरा रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत टूट रहा था। मैंने मोमोज को किया है फ्राई, डीप फ्राई। एक्चुअली ये थोड़ा अनहेल्दी वे है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है। सो आई जस्ट टेस्ट इट एंड लेट यू नो। बहुत अच्छा क्रंची हुआ है, इट्स नाइस। ब्रेक द मोमो और विद द स्टफिंग इन साइड टेस्ट करती हूँ। आई ईट इट विद द मोमोज, मोमो चटनी एंड मेयोनीज। इट्स रियली यम। डीप फ्राइड चीज़ किसको पसंद है? सो आउट ऑफ द 3 वेज जो मैंने पहले किया, पैन फ्राई, स्टीम एंड डीप फ्राई, तो मुझे पैन फ्राई और डीप फ्राई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्टीम वॉज ओके ओके बिकॉज इसका जो कवर है, जो आउटर कवर है, वो बहुत थिन है। एक्चुअली इसका एक एडवांटेज भी है बिकॉज अगर वो बहुत ज़्यादा थिन होगा तो डो जो है वो कम है और स्टफिंग ज़्यादा है, तो इसके वजह से स्टीम में क्या हो रहा है ना, वो ब्रेक हो रहा है। पैन फ्राई में भी ब्रेक हुआ और डीप फ्राई में भी ब्रेक हुआ, बट स्टीम में वो ज़्यादा ब्रेक हुआ। तो जो अच्छा अच्छा था वो मैंने ले ली, और जो छोटा हुआ था और मैंने मेरे डैड को दे दी, बट मेरे डैड को स्टीम ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज उन्होंने बोला कि वो दैट इज़ एन हेल्दी वे ऑफ ईटिंग अदर देन डीप फ्राई। उनको पैन फ्राई भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ओवरऑल द टेस्ट इज़ रियली गुड। 4 पैकेट मोमो सॉस का आता है उसमें। ओवरऑल इट वॉज रियली यम। आई रियली सजेस्ट कि आप लोग प्रिफर कीजिए, स्विगी इंस्टामार्ट से लीजिए, अभी भी वो ऑफर में ही है, एंड लेके आप ट्राई कीजिए।
माय पर्सनल फेवरेट वाज पैन फ्राई. नेक्स्ट टाइम पे जब भी लूंगी तो ओवरऑल जितना भी 24 पीसेस रहेगा बस वो पूरा पैन फ्राई करूंगी. एंड इट्स अ रियली गुड स्नैक. अगर किसी को एज अ मील खाना है तो भी वो खा सकते हैं. लाइक 7-8 पीसेस या मैक्सिमम 10 पीसेस खा सकते हैं, अभी वो इंसान की कैपेसिटी पे है. सो इट्स रियली गुड. प्रसुमा मोमोज इज रियली गुड. नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे किसी फ्लेवर को भी ट्राई करूंगी. दिस वॉज ओरिजिनल चिकन. बहुत सारे फ्लेवर्स है, तंदूरी है, बहुत सारे फ्लेवर्स है उसमें. ऑप्शन में आपको दिख जाएगा. सो इट इज अप्रूव्ड बाई मी एंड द रिव्यू इज रियली रियली गुड एंड इट्स यम. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो आई विल सी यू सून विद अ न्यू ऑनेस्ट रिव्यू ऑन फूड. सो आप मेरे को कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा एंड वॉट फूड शुड आई रिव्यू मोर. सो थैंक यू. आई विल ईट इट एंड सी यू इन अ न्यू ब्लॉग. बाय.